बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्लैक मैजिक कम्युनिटी चैनल, जिसमें ज़िंदगी के हर मसले के हल के लिए वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। नाज़रीन, हमारे रूहानी सेंटर में माहरीन रूहानियात की ज़ेरे निगरानी इस्म आज़म और कुरानी आयात से ज़िंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए मखसूस औक़ात में नक्श तहरीर किए जाते हैं और फिर इन नकूश या तावीज़ात का फैज़ जारी किया जाता है, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग हमारे बुज़ुर्गों से ख़ास कुलियात के तहत अपने अपने नाम का इस्म आज़म फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करते हैं और पूरा हफ्ता अपने मसाइल के हल के लिए वो ज़िक्र इस्म आज़म तलावत करने के बाद हर जुमेरात को हमारे दुआ प्रोग्राम में अपना नाम, मसला और तलावत करदा ज़िक्र इस्म आज़म हमारे उन बुज़ुर्गों को दुआ के लिए अरसाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ मुक़दस मुकामात पर कुल इंसानियत के लिए दुआ फरमाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग उन तमाम अफराद का अरबों खरबों की तादाद में वसूल करदा ज़िक्र इस्म आज़म अल्लाह के हजूर पेश करने के बाद उन तमाम अफराद के मसाइल के हल के लिए जहाँ तक मुमकिन हो उनका नाम लेकर खसूसी दुआ फरमाते हैं और फिर रूहानी सेंटर में मौजूद तमाम नकूश पर दम करते हैं, जिससे उन तमाम नकूश का फौरी फैज़ जारी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली के नाम का इस्म आज़म है या मोमिनू या अल्लाह, और इसके आदाद हैं 202। मोहम्मद अली ने पूरा हफ्ता रोज़ाना 202 बार इस्म आज़म या मोमिनू या अल्लाह का विर्द किया और फिर बरोज़ जुमेरात उस इस्म आज़म की कुल तादाद बनी 1414। अब मोहम्मद अली ने दुआ प्रोग्राम में बुज़ुर्गों से दुआ करवाने के लिए अपना नाम, मसला और ज़िक्र इस्म आज़म की कुल तादाद 1414 अरसाल की। मोहम्मद अली की तरह पूरी दुनिया से लाखों अफराद ने भी इस तरह अपना अपना तलावत करदा ज़िक्र इस्म आज़म दुआ के लिए अरसाल किया तो उस अरबों खरबों की तादाद में जब मोहम्मद अली का मखसूस तादाद में अरसाल करदा ज़िक्र इस्म आज़म जमा करके अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा तो मोहम्मद अली को भी अरबों खरबों की तादाद में ज़िक्र इस्म आज़म का फैज़ मिलेगा और फिर मोहम्मद अली के नक्श पर जब दम किया जाएगा तो उस नक्श से भी इंतहा का फैज़ जारी होगा, जिसके वसीले से उसकी दुआ बहुत ही जल्द कबूलियत का दर्जा पालेगी इंशाल्लाह। इसी तरीक़ाकार के तहत कोई भी साइल अपने मसाइल के हल के लिए यही नक्श बतौर हदिया भी मंगवा सकते हैं और अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह भी। अगर आप मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक मैजिक कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आज की वीडियो का मौजू है, नक्शे सुलेमानी से जादू का तोड़। हमारे रूहानी माहरीन की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया नक्शे सुलेमानी ऐसी हैरत अंगेज़ रूहानी ताकत का हामिल है कि 100 साल पुराना जादू भी हो तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ज़ायल हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े माहरीन रूहानियात का मानना है कि रूहानियत की दुनिया में हर किस्म के जादू टूने की काट के लिए नक्शे सुलेमानी से बड़ा कोई अमल नहीं। इस नक्श में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो इस्म आज़म तहरीर है जिसकी बदौलत जिन्नात और शयातीन भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ महसूस करते थे, इसलिए इस नक्श को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है, जिसे पहनते ही हर किस्म के शैतानी असरात, काला जादू, बंदिश, सहरो आसेब, जिन्नात, शरीर मौकलात, बुरे तावीज़ात और दीगर नहस असरात फौरी तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि जो चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब हो और वही चीज़ किसी आम इंसान को अता हो जाए तो इससे बढ़कर फजीलत और क्या होगी, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि उस इंसान पर रहमत इलाही मेहरबान हो जाती है। उस इंसान की दुआ कबूलियत का वो मुकाम पा लेती है कि जिस पर जिन्नो इंस भी रश्क करने लगते हैं।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब नक्शे सुलेमानी के फैज़ का तज़करा अगर इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा भी करे तो फिर भी नक्शे सुलेमानी के फैज़ को बयान करने का हक अदा ना हो सकेगा। नक्शे सुलेमानी के फैज़ को आम इंसान ज़ाहरी आँख से कभी नहीं देख सकता, मगर माहरीन रूहानियात जिन्हें बातिन की आँख से नक्शे सुलेमानी के बेशबहा फैज़ को देखने का शर्फ अता हुआ, उन्हें इस फैज़ को हर उस इंसान तक पहुँचाने का हुक्म भी मिला जिन पर शैतानी ताकतें, जादू टूने, बंदिश या सिफली अमल की सूरत में हमला आवर होती हैं। नाजरीन, अगर आपके दुश्मन या हासदीन शरीर आमलीन की मदद से आप पर जादू टूना, बंदिश या सिफली अमल करवा रहे हैं, या आपके हर काम में रुकावट डालने का सबब बन रहे हैं, या फिर किसी भी सूरत में आपका नुकसान कर रहे हैं, तो नक्शे सुलेमानी की मदद से आप अल्लाह की पनाह में आ सकते हैं। नक्शे सुलेमानी हासिल करने का तरीका। इस नक्श का हदिया 1400 रुपये मुकर्रर किया गया है। किसी भी रूहानी अमल का हदिया अदा करना अमल की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप इस नक्श का हदिया रुपये पैसे की सूरत में अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते तो इस नक्श का हदिया अहद की सूरत में भी अदा कर सकते हैं। अहद ये है, मैं अल्लाह के हजूर ये अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैं दो ऐसी नेकियाँ अपने जिस्म में दाखिल करूँगी जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, और कम अज़ कम दो बुराइयाँ अपने जिस्म से हमेशा के लिए निकाल दूँगी, और कम अज़ कम 5 अफराद को अल्लाह के ज़िक्र पर लगाऊँगी, और मैं इस अहद को 1 माह के अंदर पूरा करने की पाबंद होंगी। अगर मैं इस अहद की पासदारी ना कर सकी तो इस नक्श का 1400 रुपये हदिया अदा करके इस अहद से आज़ाद हो जाऊंगी। याद रखें, जो साइलीन इस नक्श को फी सबीलिल्लाह हासिल करना चाहते हैं तो ये अहद करना लाजिम होगा। बिना अहद पूरा किए या बिना हदिया अदा किए नक्श का फैज जारी ना होगा। आप इस नक्श को 1400 रुपये हदिया अदा करके हासिल करें या फिर अहद के ज़रिए फी सबीलिल्लाह, दोनों ही सूरतों में फैज़ एक जैसा होगा इंशाल्लाह। इस नक्श को हासिल करने के लिए अपना नाम, वालदा का नाम और मुकम्मल एड्रेस दिए गए फ़ोन नंबर्स पर लिखवाएं। हमारे रूहानी माहरीन आपके फराहम करदा नाम और वालदा के नाम के मुताबिक इस नक्श पर मखसूस औकात में पढ़ाई करके इसे आपके नाम मंसूब करके इस नक्श का फैज़ जारी फरमाएंगे। इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों में नक्श आपके मतलूबा एड्रेस पर अरसाल कर दिया जाएगा। नक्श को अपने नाम मंसूब करवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर रابطہ कायम करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसी वीडियो के नीचे मौजूद लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल ब्लैक मैजिक कम्युनिटी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हमारे चैनल पर आइंदा अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आसानी से देख सकें, और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में आपको हर किस्म के शरीर दुश्मनों, जादू सहरो असेब, बुरे तावीज़ात और हासदीन से हमेशा महफूज फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।